उज्जैन शहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 8 युवकों को चिमनगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से इंजेक्शन भी जब्त किए गए हैं। यह युवक 25,000 से लेकर 30,000 रुपए तक में कालाबाजारी करके इंजेक्शन बेच रहे थे। चिमनगंज पुलिस को सूचना मिली कि एक गिरोह है जो जरूरतमंद लोगों को महंगी कीमत में पैसे लेकर इंजेक्शन बेच रहा है। चिमनगंज पुलिस ने घेराबंदी करके जब इन युवकों को गिरफ्तार किया तो इनके पास से 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किए हैं। पुलिस ने इन 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया और थाने पर लाकर इनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हम काफ़ी दिनों से इंजेक्शनों की कालाबाजारी कर रहे थे और मोटा मुनाफा कमा कर पैसा कमा रहे थे। अब पुलिस ने पकड़े हुए 8 युवक के ऊपर अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पुलिस इस गिरोह को संरक्षण देने वाले अन्य लोगों को भी गिरफ्तार करेगी और उन्हें भी आरोपी बनाएगी। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।